पर इसका एक प्रोग्राम रखा गया था जी और साल का आखिरी महीना चल रहा है, क्या क्या सिखाया गया जो स्टाफ था? देखिए, आज हमने एक रेगुलर संपर्क सभा रखी थी और इसको हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें सारे थाने का स्टाफ और यूनिट्स का स्टाफ, इवन हमारे जो ब्रांचेस हैं वहाँ से भी सारा स्टाफ, ऑल रैंक्स इसमें रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इकट्ठा होके इट इज़ ओपन डिस्कशन। किसी की भी कोई भी समस्या हो, व्यक्तिगत हो या ऑफिशियल हो, वो उसमें ओपनली उसमें बता सकते हैं। तो इसमें कुछ इशू सामने आए हैं, किसी थाने में कमरे की समस्या है, कहीं पे टॉयलेट्स की समस्या है, कहीं पे बता रहे हैं कि जी ओवरहेड टैंक लीक हो रही है, उसकी समस्या है। तो इस तरह के बहुत सारे ओपन डिस्कशन होता है, ओपन हाउस होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल भी इसलिए था बिकॉज़ हमने DCP वेलफेयर साहब को आज इनवाइट किया था, बिकॉज़ पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से वेलफेयर में बहुत सारा काम होता है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेके हो, बहुत सारे उनके पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिससे हम लोग जो ज़िले में काम करते हैं कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग को उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने उनको बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई सारे स्टाफ को। आई एम श्योर इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और जो हमारा दिल्ली पुलिस जो सोसाइटी है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो एक उनसे मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आप एक डिटेल्ड इसका नोट मुझे भेज दीजिए, सो दैट रिटर्न में हम लोग सब लोगों को सर्कुलेट कर दें। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल, वेरी गुड डिस्कशन। एंड मेरी तरफ से, क्योंकि साल अब ख़त्म होने वाला 2023, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पूरे साल, तो एक तरह से मेरी तरफ से थैंक यू भी था सारे स्टाफ को कि सब लोग ने मिलजुल के काफ़ी मेहनत की नॉर्थ ईस्ट ज़िले में। सर, DCP साहब ने भी बड़ी तारीफ की है नॉर्थ ईस्ट ज़िले में क्राइम को कंट्रोल करने में। नहीं, ठीक है, वो तो CP साहब सभी की तारीफ़ करते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, और जहाँ भी मेरे स्टाफ ने कुछ तारीफ़ लायक काम किया तो हमें उसके लिए शाबाशी मिली।